देशभरमां ईदुल फित्रनी खुतबानी नमाज अदा करवामां आवी। ईदनी वहेली सवारथी ज लोकोमां आनंदनो उल्लास जोवा मळ्यो हतो। भारे उमंग साथे मुस्लिम बिरादरो मस्जिद में ईदनी नमाज अदा करवा माटे पहुंची आता। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है। मुबारक ईद मुबारक। वेली सवारे ईदनी नमाज अदा करीने लोको एक बीजा ने साथे गड़े मलीने ईदनी मुबारकबादी आपी हती। तो बीजी बाजू सोशल मीडिया उपर एक बीजा ने साथे SMS उपर पण ईद मुबारक करवामां आवी हती। ईदना दिवसे पोताना स्वजनोनी याद आवता ए पोताना आंसू ना रोकी शक्या। 30 रोजा पूर्ण थया बाद देशभरमां ईद उल फित्रनो त्योहार उजवामां आव्यो हतो। देखिए आज ईद उल फित्र का बहुत मुबारक मौका है, खुशी का मौका है, और ये ईद उल फित्र का तोहफा जो है रमज़ान का पूरा महीना जो रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और दूसरी जो है दीन का काम करते हैं, उसके सदक़े में अल्लाह ताला ने ईद की खुशी रखी। तो इस्लाम में खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम सबसे पहले अपने रब की बारगाह में झुक जाएं, सजदा करें, इबादत करें। यही आज की इबादत का खास मकसद है, वो लोगों ने किया और ईद की खुशियाँ मनाई। बिलखसूस अपने भारतवासियों को, ख़ास अहले गुजरात को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरह से ईद में हम सीना से सीना मिलते हैं, मिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के सीने को बिना बोझ हसद जलन से पाक रखे, और इसी तरह साल भर पूरी ज़िंदगी हम किसी तरह दिल से जो है आपस में मिले रहे, अमन रहे, शांति रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम तरक्की करें, हमारे मुल्क के लोग। मुस्लिम बिरादर भाइयों को रमजान की शुभेच्छा और मंगल कामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इस राज्य की लियाकत की जानिब से खानकाह हसनी अजीज की लियाकत की तरफ से आपसे तो बहुत बहुत ईद मुबारक। कैमरामैन रशीद शेख, वन लाइव इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद।